भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन का प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत देश भर में 100 शहरों को स्मार्ट बनाया जाना है। उत्तर प्रदेश से 12 शहर चयनित हुए हैं। मुरादाबाद को इन 12 शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस समय स्मार्ट सिटी चैलेंज राउंड 2 के अंतर्गत नगर का स्मार्ट सिटी प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। द्वारा TR मिश्र, प्रभारी स्मार्ट सिटी। मैं वो हूं जिसने अपने सीने पर लाखों लोगों को संजो रखा है। मैं वो हूं जिसने हर मौसम में इतिहास बना रखा है। मैं वो हूं जिसने कड़ी दर कड़ी एक दूसरे को जोड़ रखा है। मैं वो स्तंभ हूं जो लाखों का सहारा है, जिसके पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में गांगन मांगन राम गंगा स्पर्श करती हैं। कौन हूं मैं, कौन हूं मैं? मैं हूं आपका शहर मुरादाबाद। वैसे तो मुझे सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए मुझ पर कई बार नित नए निर्माण हुए हैं और नवीनीकरण किए जा चुके हैं। उसे कायम रख पाना मुश्किल है। यदि आप चाहते हैं कि मैं यानी आपका अपना शहर मुरादाबाद स्वच्छ सुंदर एवं स्मार्ट बन सके, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जागरूक होना होगा, स्मार्ट बनना होगा। तब कहीं जाकर आप मुझे स्मार्ट बना पाओगे। फिर मैं भी फख्र से सर ऊंचा करके कह सकूंगा कि मैं स्मार्ट शहर हूं। मैं हूं आपका स्मार्ट शहर मुरादाबाद। मैं हूं आपका स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी यानी सपनों का शहर। इसके अंतर्गत हमारे भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचों का विकास होना है। बस हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर सहयोग रूपी योगदान करना है, जैसे स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट विद नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉन मोटराइज्ड ट्रैफिक, इंटीग्रल पार्किंग मैनेजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाटर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रेनेज मैनेजमेंट, सीवरेज मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंट स्ट्रीट लाइट, अंडरग्राउंड केबलिंग, सोलर रूफटॉप्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट ऑफ पार्क्स, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, एयर पॉल्यूशन, स्किल डेवलपमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसी संदर्भ में शहर मुरादाबाद के नगर निगम ने एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के लिए हर क्षेत्र का सर्वे किया। एरिया नंबर 1, चौधरी चरण सिंह चौक, प्रकाश नगर, हनुमान नगर, कृष्णा नगर, लाइन पार फुट ओवर ब्रिज, लाइन पार से कपूर कंपनी चौराहा, रेलवे स्टेशन, इंपीरियल चौराहा, टाउन हॉल, गुरहट्टी चौराहा, कचहरी, जिगर कॉलोनी, चक्कर की मिलक, अंबेडकर पार्क, पीली कोठी, महाराणा प्रताप चौक, दिल्ली रोड, मानसरोवर चौराहा। एरिया नंबर 2, कपूर कंपनी, इंपीरियल तिराहा, टाउन हॉल, गुरहट्टी, कचहरी, रामगंगा विहार, पीली कोठी। एरिया नंबर 3, बंगला गांव, दौलतबाग, नवाबपुरा, महाकाली भैरव मंदिर, जामा मस्जिद, कटघर रेलवे स्टेशन, गुलाबबाड़ी चौक, प्रभात मार्केट, पीतल नगरी रोडवेज, इंपीरियल चौक। और एरिया नंबर 4, बुद्धि विहार, मझोली, मानसरोवर, कृष्णापुरी, शंकर नगर, विकास नगर और चाऊ की बस्ती। अपने शहर को स्मार्ट बनाने के लिए लोकोशेड पुल का नवीनीकरण शुरू हो चुका है और निम्न स्थानों पर भी निर्माण का कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। इस चलचित्र का नगर निगम में कई बार प्रदर्शन किया गया, जिसमें नगर आयुक्त नगर निगम मुरादाबाद के
एस के सिंह और प्रभारी स्मार्ट सिटी त्रिलोकनाथ मिश्रा जी ने सभी अधिकारियों को बताया कि हमें अपना शहर मुरादाबाद स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आम जनता को हर प्रकार से जागरूक करना होगा, चाहे वो चलचित्र हो या किसी विज्ञापन के जरिए, माध्यम चाहे जो भी हो, हमें आम जनता को प्रेरित करना होगा ताकि जनता बढ़ चढ़कर स्मार्ट सिटी बनाने में ऑफलाइन या ऑनलाइन वोटिंग करे। ऑफलाइन यानी मैनुअल वोटिंग के लिए आप नगर निगम से फॉर्म लें, इसे भरें और जमा करें। और ऑनलाइन वोटिंग हेतु सर्वप्रथम आप अपना ब्राउजर ऑन करें। ऑन करने के बाद वहां पे टाइप करें smartcitymuradabad.in और सर्च करें। वेबसाइट के होम पेज के स्क्रॉल बार पर रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, उसे क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात व्यक्तिगत सूचनाओं का पेज खुलेगा, जिसमें पूरा नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ईमेल अथवा मेल अथवा फीमेल तथा जन्मतिथि का ऑप्शन दिखेगा, इसे भरें। इस पेज पर पासवर्ड का कॉलम भी होगा, इसमें अपनी सुविधा अनुसार कोई भी पासवर्ड अंकित करें। उसके बाद रजिस्टर ऑप्शन में जाकर सबमिट कर दें। रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात लॉगिन का ऑप्शन आएगा, इसके प्रथम कॉलम में आप अपना ईमेल आईडी अथवा फोन नंबर अंकित करें। इसके दूसरे कॉलम में जो पासवर्ड आपने इसके पहले प्रयोग किया है उसे अंकित करें। उसके बाद लॉगिन ऑप्शन को सबमिट करें। अब आप इस वेबसाइट पर पूरी तरह से रजिस्टर हो चुके हैं। अब आपको ग्रुप, डू, डिस्कस, पोल, ब्लॉग तथा टॉक का ऑप्शन दिखेगा, पर आप पोल ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको एरिया बेस्ड सॉल्यूशन बॉक्स दिखेगा, जिस पर वोट ऑप्शन को क्लिक करें। इसके अंतर्गत आपको एरिया एक से एरिया पांच तक के पांच विकल्प दिखेंगे, उसमें से किसी एक का चयन करें तथा वोट ऑप्शन पर क्लिक करें। यह वोट पूरा हुआ, नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएं तथा दूसरे बॉक्स को क्लिक करें। अब आपको 16 ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें से न्यूनतम 5 और अधिकतम 16 पर टिक करें तथा वोट ऑप्शन पर जाकर क्लिक करें। आपका दूसरा वोट पूरा हुआ, पुनः नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएं तथा पैन सिटी सॉल्यूशन में वोट ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके अंतर्गत आपको 3 ऑप्शन प्राप्त होंगे, आप किन्हीं 2 ऑप्शन पर टिक करें तथा वोट ऑप्शन पर क्लिक करें, आपका वोट पूरा होगा। प्रिय नागरिकों, यह वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि आप स्मार्ट सिटी बनाने में तत्पर हों, हमें नए नए विचार दें तथा ऑफलाइन ऑनलाइन वोटिंग करके अपने शहर का भाग्य खुद बदलें। इस चलचित्र का प्रदर्शन लगातार जनता के बीच किया गया, जिससे जनता जागरूक हुई और वोट करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही जनता ने इस चलचित्र के माध्यम से अन्य लोगों को भी जागरूक होकर वोट करने का संदेश दिया। मैं आम जनता से यही अपील करता हूं कि मैंने खुद को भी स्मार्ट बनाने के लिए अपना खुद का प्रयास किया है। हर व्यक्ति अपने आप को स्मार्ट बनाने में अगर खुद का सहयोग करे तो मेरा मानना है कि सारा शहर स्मार्ट एकदम जरूर बनेगा। मैं बात करता हूं सिर्फ अपने छोटे से शहर की। अगर मैं अपना छोटा सा शहर अपना स्मार्ट बना पाया तो वो कैसे बन पाएगा? जब मैं खुद जागरूक हूँ, जब मैं खुद स्मार्ट बनूंगा। हमें स्मार्ट सिटी बनने के लिए हमें खुद स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर हम लोगों को स्मार्ट सिटी बनाना होगा तो हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। हमें भी जिम्मेदारी निभानी होगी स्मार्ट सिटी के लिए। जो स्मार्ट सिटी बन रहा है उसके लिए हमें भी अपने आप को स्मार्ट बनाना होगा। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मैंने भी वोट दिया है और मैं आम जनता से निवेदन करता हूँ कि वो भी इसमें वोट दें और वो भी इसको स्मार्ट बनाने में पूरा सहयोग करें। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने नियमों
प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहता हूँ और आम जनता से अपील करता हूँ कि हर व्यक्ति इस शहर को, इस मुरादाबाद शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में अपना सहयोग करें। पिछले दिनों नगर निगम ने भी देखकर मैं काफ़ी प्रभावित हुई और मैंने वोट किया था। मैं आम जनता से भी यही अपील करूंगी कि वो भी वोट करें और अपने कर्तव्य को निभाएं। मैं भी आपके साथ लगूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वोटिंग करें और इस शहर को स्मार्ट सिटी में लेकर आए। मैंने अपनी सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए वोट किया है, मेरे पेरेंट्स ने वोट किया है। हम दोषी हैं, हमने कहा ना कि पहले हमें सुधरना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमारा शहर स्मार्ट। अगर आप अपनी सिटी को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो पहले खुद से स्मार्ट बनिए, आपकी सिटी अब ऑटोमेटिकली स्मार्ट बन जाएगी। मैंने नगर निगम का एक वीडियो भी देखा है और उसमें वीडियो में मैंने उसको लिए वोट भी किया अपनी स्मार्ट सिटी के लिए और मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ आम जनता भी उसमें वोट करे और अपनी सिटी को स्मार्ट बनाए। हमारे नगर में आजकल ऑनलाइन वोटिंग चल रही है, आप सबको पता ही बस बात को, मैंने ऑनलाइन वोटिंग की है। आप सबसे भी अनुरोध है कि आप ऑनलाइन वोटिंग करें। तो पिछले दिनों मैंने नगर निगम का एक वीडियो देखा, उस वीडियो में ये बताया गया कि अगर आप अपने शहर को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए। वोट करने के दो तरीके हैं, एक ऑनलाइन वोटिंग का तरीका है, एक ऑफलाइन वोटिंग का तरीका है। ऑनलाइन वोटिंग में आप इंटरनेट पर जाइए, वहाँ पर टाइप करिए smartcitymuradabad.in, इस वेबसाइट पर आप लॉग इन करिए, रजिस्टर करिए अपने आप को, पोल करिए और वोट कीजिए। इसके अलावा मैनुअल वोटिंग का तरीका ये है कि यहाँ जगह जगह नगर निगम ने फॉर्म रखवा रखे हैं, फॉर्म लीजिए, फिलअप करिए, पिकअप करिए, टिक करिए और वोट कीजिए। जब तक आप खुद स्मार्ट नहीं बनेंगे तब तक आपका शहर स्मार्ट नहीं बन सकता। तो मेरी आप लोगों से ये अपील है, स्मार्ट बनिए, वोट कीजिए। एक दिन मैं घर पर अपने बैठा था तो मैंने टीवी पर नगर निगम का एक वीडियो देखा स्मार्ट सिटी वाला। उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि मेरा भी शहर स्मार्ट बनना चाहिए। तो मैंने नगर निगम गया, वहाँ से फॉर्म लेकर अपना वोट नगर निगम के वहाँ पर जमा करा। तो मैं भी आपसे एक आम नागरिक होने के नाते अपील करता हूँ कि नगर निगम जाइए और अपना वोट स्मार्ट सिटी के लिए दीजिए। कुछ दिनों पहले मैंने नगर निगम का एक वीडियो देखा जिसे देखकर मैं काफ़ी प्रभावित हुई और अपने शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मैंने ऑनलाइन वोटिंग की। और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आम जनता से अपील करती हूँ कि वो अपने शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए वोट जरूर जरूर करें। मैंने नगर निगम के एक वीडियो देखी है, उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी वोटिंग करें। मैंने भी ऑनलाइन वोटिंग करी है, तो सब जागरूक बने और सब ऑनलाइन वोटिंग करें। मैंने नगर निगम की एक वीडियो देखी है, उसे देखकर मैं इंस्पायर हुई हूँ और उस मैंने ऑनलाइन वोटिंग करी है और मैं चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपील करती हूँ लोगों से कि आप भी स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए ऑनलाइन वोटिंग करें। अगर आपने अब तक वोट नहीं किया है तो जागरूक बनिए और बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर बनाने में खुद की मदद कीजिए। स्मार्ट बनिए और अपने शहर को भी स्मार्ट बनाइए ताकि हम सब गर्व से कह सकें कि ये है हमारा स्मार्ट सिटी मुरादाबाद।